बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय बिहाइंड द सीन चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग यार? खैरियत से हैं? ठीक है यार, सारे काम तो हो गए, दावत भी हो गई दोस्तों की और अब सब कुछ हो गया, लेकिन अब यूके जाने के लिए कुछ तैयारी अभी भी बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आज सुबह मेरे जहन में आई, आज 24 मई है, कल रात को मैंने एयरपोर्ट पे जाना है, सही है, तो टाइम तो बिल्कुल बचा नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जहन में आई कि भाईजान वहां की करेंसी तो ली नहीं है अभी तो, खैर वहां पे इंशाल्लाह इतनी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बंदे के पास एहतियाती तौर पर थोड़े से होने चाहिए, क्योंकि वहां पे फिर कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है यार, सेफ्टी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो अब हम जाते हैं पहले करेंसी लेने के लिए, बैंक में भी एक दो काम है, साथ साथ करते हैं, आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलते हैं कि आज के दिन का क्या सीन है। ब्रिटिश पाउंड हमने खरीद लिए हैं, ये देखें भाई, जब अंदर गए मनी एक्सचेंज के ऑफिस में पता चला प्लास्टिक वाली भी आती है, पेपर वाली भी आती है, तो हमने बोला नया कौन सा भाई, वो दें, तो उन्होंने बोला नया है प्लास्टिक वाला। तो ये प्लास्टिक है, काफी सारे कंट्रीज की जो है प्लास्टिक की होती है, इसके अंदर काफी सारे फायदे भी हैं। एक तो इतनी जल्दी आसानी से खराब नहीं होती, पेपर अक्सर फट जाता है, कपड़ों में धुल गया, कुछ भी हो गया, और फिर दूसरे मुल्कों के अंदर हमारा एक्सपीरियंस ये है कि कहीं पर भी जाते हैं तो देखते हैं बड़ी साफ सुथरी अपनी करेंसी को रखते हैं वो लोग। अब देखें इसके ऊपर कोई एक निशान नहीं, किसी ने पेन से कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो लेकिन अब इसकी वैल्यू आप चेक करें, मतलब इतनी महंगी करेंसी है, हमारे हिसाब से 252 रुपए पाकिस्तानी आप देंगे तो आपको एक पाउंड मिलेगा, एक ब्रिटिश पाउंड। अब देखना यह है कि जैसे हम हर मुल्क में जाते हैं, कभी भी कहीं पे भी जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। सुना तो यह है कि यूके बहुत एक्सपेंसिव है, और अब जाके पता चलेगा कि ये बेसिकली 20 पाउंड जो है इसकी वर्थ क्या है, वहां पे जाके इस 20 पाउंड में बंदा क्या क्या कर सकता है, अगर कहीं खाना पीना खाना है तो वहां पे एक मील कितने की आती है, और जो जरूरत जिंदगी की जरूरत की चीजें हैं वो कितने कितने पैसों की आती है, तो ये भी इंशाल्लाह कंपेयर भी आपको दिखाएंगे, ताकि हमारी भी नॉलेज के अंदर, खैर वहां पे जाके जब बंदा सफर करता है ना तो नॉलेज में इजाफा होता है, और आपको भी दिखाएंगे ताकि आपके भी जो है वो नॉलेज के अंदर इंशाल्लाह इजाफा हो, कुछ ना कुछ आप भी सीखेंगे। जा रहे हैं मलिर सऊदाबाद के इलाके के अंदर, एक बहन ने हमसे राबता किया था कि हमें कोई फूड स्टॉल वगैरह लगाना है, उसके लिए आप हमें स्टॉल वगैरह अगर प्रोवाइड कर सकें तो मैं अपना खुद कमाना चाहती हूँ, हालात उनके फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हैं, और तो हमने सोचा कि हम जो है ना आज उनको प्रोवाइड करते हैं। हमने 2 दिन से ऑर्डर दिया हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह रेडी होकर उनको मिल गया था, और आज ही जो है वो इसकी ओपनिंग भी है, तो आज ही खाने का जो स्टॉल इन्होंने स्टार्ट किया है आज ही उसकी ओपनिंग भी है, तो हम वहां पे जा रहे हैं, इंशाल्लाह वहां का भी मंजर दिखाते हैं। टैग करूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वेरी क्विक वेरी रिस्पॉन्स, आपने मुझे बहुत, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ आपकी कि आपने मेरी एक एक मैसेज पे मुझे जो है ना वो इतना कुछ प्रोवाइड किया, मतलब कोई मसला नहीं, हम देखें कोई कुछ नहीं होते किसी करने वाले, अल्लाह पाक करते। बचपन में जब कभी गाय आती थी ना तो आवाज़ आती थी साथ में बच्चों की, गाय आई, और ये देखें भाई यहाँ पे जो है वो पहली हमने गाड़ी देखी है अभी बकरीद से पहले जो हमें नजर आई है, काफी अर्ली है वैसे तो ये, लेकिन ये कि जानवर लेके जा रहे हैं। अदनान भाई जरा आवाज देके पूछें कितने के लिए गाय है? 1 लाख। 1 लाख की भाई? 1 लाख के लिए भाई, 1 लाख के लिए, लेकिन अच्छी है। बोलो इससे पूछो बकरीद के लिए लिए? बकरीद के लिए लिए या वैसे ही? बकरीद के लिए लिए, बकरीद के लिए। हाँ भाई बकरीद के लिए लिए यार, माशाल्लाह काफी जल्दी ले लिए, और मैं आपको दिखाऊं जरा के ये देखें आप, थोड़ा सा करीब से दिखाते हैं आपको, ये देखें। वैसे यार ये तकरीबन 80,000 रुपये तक सही थी, लेकिन ये कि आजकल महंगाई इस तरीके से बढ़ती जा रही है ना कि आप देखें, पहले जो 80,000 में जानवर आता था वो अब 1-1.5 लाख रुपए के अंदर आता है, तो ये भाई 1 लाख रुपए की लेके जा रहे हैं। अल्लाह पाक कबूल करे सबकी कुर्बानियां। यार क्या ही बात है, आज तो हमें जो है वो एक और गाड़ी नजर आ गई जिसके अंदर जो है ना जानवर लेके जा रहा है बंदा, और ये देखें ये जो होगा ना तकरीबन जो है वो शायद 60,000 रुपए के करीब होगा, और ये देखें, लेकिन इसका भी कलर अच्छा है माशाल्लाह। मतलब आज के दिन में हमने 2 गाड़ियां देख ली यार, मतलब लोगों ने परचेजिंग स्टार्ट कर दी है इसका मतलब, है ना? वाह यार, क्योंकि बच्चों को भी अक्सर शौक होता है, बच्चे थोड़ा सा टाइम गुजारना चाहते हैं, 1 महीना 15 दिन गुजारना चाहते हैं जानवरों के साथ अपने। भाई अब मैं पार्क आ गया हूँ क्योंकि वॉक करना बहुत जरूरी है, और साथ में हमारे कुछ दोस्त आए हुए थे मिलने के लिए, ये भाई बैठे कैसे भाई? गुड। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ अभी क्या सीन है वो तो चलता रहेगा, ये बच्चा आया है फॉलो करता है, देखते हो वीडियोज आप। क्या नाम है? मोहम्मद अनस। माशाल्लाह भाई नंबर लेना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छा भाई ये सारा वॉक वगैरह तो हो गई, अब जो है ना हमारे दोस्त हैं शहरयार भाई, उन्होंने कहा कि आपके सफ़र से पहले हम कुछ चीज़ें आपको ऐसी देंगे ताकि आपको ट्रैवल में काम आए। वाकई कभी कभी बंदा सफ़र करता है ना तो वहाँ पर जाके ख्याल है तो अब यार ये लेना मैं भूल गया ना,
तो ये सीन होता है। तो अब ये कुछ चीज़ें ऐसी लेके आए हैं जो हमारे काम आ सकती हैं, तो हम आपको दिखाते हैं भाई क्या सीन है। सही है भाई, सबसे पहले हाँ बताएं, सबसे पहले हमारे बहुत अच्छे भाई हैं साथ भाई है। branddukan.com जो है उनकी वेबसाइट है। अच्छा। और ब्रांड दुकान के नाम से उनका फेसबुक पेज भी है। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने आपके लिए गिफ्ट भेजा स्पेशली कि आप यूके का जो ट्रैवल करने वाले हैं उसमें आपके काम आएगा। ये इनका बिल्कुल लेटेस्ट जो है आर्टिकल है। अच्छा बेहतरीन। आप ले सकते हैं ये बैकपैक, इसके अंदर काफी पॉकेट्स हैं और ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस है इसके। अच्छा। तो ये आपको बड़ा मजा आएगा, ये आप देखें फुल प्रीडेटर स्टाइल है। वाकई यार जबरदस्त है, आप इसको देखें। तो ये ब्रांड दुकान ने आपको भी भेजा है। मेरी मोस्टली, मेरी हर वीडियो में मोस्टली वो कुछ ना कुछ देते हैं मुझे। अच्छा, उनको पता है क्योंकि ये ट्रैवलर है, ये कुछ ना कुछ जो है इस्तेमाल होगा इसका। तो एक ये आपके लिए उन्होंने यूनिवर्सल चार्जर भेजा है, ये बेहतरीन है। ये आप सफर पे जाएं इसमें चार, ये एक तो बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये वीवो के नाम से है। सही है, ये इसमें हर तरह के आपको चार्जर मिल जाएंगे। खोल के दिखाएं ना जरा कि किस तरह के सॉकेट है, क्योंकि ये चीजें जो है ना बड़ी काम आती है। अगर मैं आपको बताऊं ना, मैं तुर्की गया ना, तो वहाँ पे नॉर्मल हमारा चार्जर की जो पेन है ना वो लगती ही नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट तरह का सॉकेट होता है, तो इसका फिर वहाँ से इसका कन्वर्टर खरीदना पड़ा। सही है, तो इस तरह की चीज़ें बड़ी काम आती है। ये मैं अभी थ्रू आउट मेरे तुर्की के ट्रैवल में मैंने एक चार्जर अपना नहीं निकाला। अच्छा, मुसलसल मैंने इसको लगा के जाते थे, हम लगा देते थे, एक साथ चार पाँच चीज़ें इसमें चार्ज हो जाती है। आप ये चेक करें, बेहतरीन किस्म का ये, आपको जिस टाइप का भी वहाँ सॉकेट होगा ना वो आपको मिल जाएगा इसमें। हाँ यार वाकई ये बड़ा जबरदस्त सीन है, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको पुश करें। हाँ। ये वीवो का चार्जर, ये WIWU वाला वीवो है। अच्छा, बेहतरीन चार्जर है, ये आपको मजा आएगा। इसका पाउच भी है। अच्छा, ताकि आप इसको इसमें रखें, ये आपके जिंदगी भर ट्रैवलिंग में काम आएगा इसके साथ। नहीं जबरदस्त है यार, बेहतरीन हो गया ये तो यार, हम अपने ट्रैवल में रखते हैं। ये देखें अलग अलग पेन इसकी जो है ना इस तरह बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये देखें ये आ गई, बेहतरीन। चार चार USB स्लॉट्स भी है नीचे, और ये सारी हाई वो हैं, क्या कहते हैं, हाई एम्पेयर वाली हैं। अच्छा, तो फास्ट चार्जर और साथ में टाइप सी भी है। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। ये इसमें 6 स्लीव्स निकलेंगी, इसमें हर स्लीव में लिखा हुआ है कि आप इसमें क्या रख सकते हैं। देखिए ये लिखा, ये शर्ट और पैंट के लिए। सही है, ठीक है। ये आप क्या है कि आप जो लगेज लेके जाते हैं ना, उसमें ना सारी चीजें बिखर जाती बिल्कुल हैं। ऐसे ही इसमें बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगी, आपने ना सिर्फ कपड़ों को यूं रोल करके, अच्छा, रोल करके अंदर इसके अंदर आपने डाल लेना, और फिर ये सारी स्लीव्स जो है ना आप एक एक करके जितनी भरते जाएं, सही है, आप उनमें मुख्तलिफ है, किसी में शूज आते हैं, किसी में कुछ आता है, ये 6 स्लीव्स हैं। जब ये 6 की 6 स्लीव्स भर जाएंगी तो ये वैनिटी पाउच बन जाएगा। बेहतरीन। अब आप इसमें अपने टूथपेस्ट, ये देख लिखा हुआ इसमें क्या क्या सब चीजें कि क्या क्या आ सकता है, तो बेहतरीन है भाई। ये देखने में तो ऐसा होता है कि इंसान इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्या भाई यार सही है तो नॉर्मल सा बैग है, लेकिन वहाँ पे जब आप सफर में जाते हैं ना तो कम स्पेस के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें मैनेज करने में ये सारी चीज़ें बड़ी काम आती हैं भाई, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। देखें ये भी बहुत ज़बरदस्त है, पैराशूट टाइप का मटीरियल है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन हो गया। थैंक यू यार भाई, थैंक यू, वेलकम। क्या अच्छा ये नहीं मिले थे, ये देखें भाई ये हमारे फ़ैन है। सही है, और क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं? नहीं, तो नहीं देते। अच्छा, तो फिर क्या रनिंग कर रहे हो, झूले वाले खा रहे हो? जबरदस्त भाई, ये जो बैग का मटेरियल है ना यहाँ से, ओहो हो, ये तो बड़ा जबरदस्त है, हार्ड मटेरियल है, ठीक है, दिखने में बड़ा स्टाइलिश सा है। इसको जरा ओपन कीजिएगा, ये तो मुझे जाते जाते सरप्राइज मिला है, एक समझ लें आप, इसमें लैपटॉप आ जाएगा और कैमरा वैमरा सब आ जाएगा। ये देखो भाई ये लैपटॉप आ गया, इसके अंदर आईपैड की स्लीव है, आईपैड का भी सीन है, और सही है, एक्सेसरीज रख सकते हैं आप, छोटी मोटी एक्सेसरीज वगैरह आ जाएंगी आपकी, ठीक है ना, ये भी एक्सेसरी पाउच, और यहाँ पे भी आप अपने चार्जर वगैरह सब कुछ रख सकते हैं। ये तरह ओपन कीजिएगा, मेरी वाइफ जो है ना वैसे बड़ी परेशान है मेरे बैग से, अभी मैंने नया कैमरा लिया ना उसके साथ भी जो है वो मैंने नया बैग आया ना, तो तो मेरी वाइफ ने बोला कि यार अब एक और बैग आया ना मैं रूम में नहीं बर्दाश्त करूंगी, तो अब जो है वो ये भाई ने एक और दे दिया, अब मैं समझ नहीं आ रहा मैं किस मुंह से जो है ना लेके जाऊंगा घर पे, मुझे नहीं समझ आ रहा। एक चीज रह गई, क्या वो है, अंदर आप अपने जो है ना पावर बैंक डालें। अच्छा। एक चीज रह गई, अंदर आप अपना पावर बैंक डाल दें, इससे कनेक्ट कर दें, तो आप बैग नहीं खोलने की जरूरत है, आप डायरेक्ट मोबाइल, जबरदस्त जबरदस्त, साइड की पॉकेट्स भी हैं, वाटर बॉटल की। अब ये आपने क्या बताया, branddukan.com, सही है भाई, क्योंकि अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं यार आप वीडियो में कोई चीज़ दिखाते हैं उसका रेफरेंस दिया करें, branddukan.com, ओके, तो वहाँ पे आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू भाई, बहुत ज़बरदस्त रहा सब कुछ यार।
भाई मेरे साथ ये बहुत होता है कि मैं लोगों को टाइम देता हूँ, इसका मैं भूल भी जाता हूँ, फिर जब रिमाइंडर मैसेज आता है ना कि आज मिल रहे ना, तो फिर मैं बोलता हूँ ओए, फिर मुझे टाइम मैनेज करना सम टाइम मुश्किल हो जाता है। आज मैंने घर वालों को, फैमिली वालों को टाइम दिया था, बहन के बच्चे और सब आए हुए, लेकिन अभी मुझे अचानक मैसेज आता है कि जी मुस्तफा भाई मैं पहुंच गया हूं, तो एक फैमिली ने मिलना था, मैं उनके पास मिलने के लिए आ गया हूं, उनके साथ थोड़ा बहुत डिनर करके फिर घर वालों के साथ भी डिनर करना पड़ेगा, अब दो दो डिनर करने पड़ेंगे आज। भाई जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अभी आज जो है ना एक फैमिली के साथ मीटअप था, हमारे एक भाई हैं तंजील भाई, उन्होंने कहा था कि बच्चों को आपसे मिलना है, और मतलब उम्रे पे ये चीज़ प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, ये उम्रे पे भी उस वक्त आए हुए थे, वहाँ पे नहीं हो पाया, तो अभी जो है ना उन्होंने बोला यूके जाने से पहले आपने लाजमी मुलाकात करनी, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे शेख अब्दुल गफ्फार कबाब हाउस है, ये बहुत फेमस है बारबेक्यू के हवाले से, तो आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं खाना खाने जा रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं खाया। और ये है भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई आप लोग, अपना अपना नाम बताओ, आप बताओ। सुहेब। सही है माशाल्लाह, आप लोगों से जो है वो काफ़ी टाइम से मुलाकात पेंडिंग थी, कैसे हो आप लोग, ठीक हो, फिर आज बारबेक्यू का प्लान है। सही है, आप लोग आते रहते हो यहाँ पे, फर्स्ट टाइम है आप लोग भी, चलो सही है भाई, इन लोगों के साथ हम लोग डिनर एंजॉय करते हैं, आराम से फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तो ये जो है ना खाना भी आ गया, थोड़ी हम मलाई बोटी ट्राई करेंगे, सही है निहारी भी आ गई है, और इसके अलावा जो है वो टिक्का भी है, और बाकी इसके अलावा बिहारी भी, ये है भाई बीफ बिहारी, ग्रीन टिक्का भी, और ग्रीन टिक्का भी है ज़बरदस्त, ये है ग्रीन टिक्का, ये गर्मा गर्म रोटी है, और ये निहारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मलाई बोटी का पहला निवाला है, ज़बरदस्त है, तो अच्छी, और बहुत ज़्यादा फीकी भी नहीं है, स्पाइसी है, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर मैरिनेशन है वो बड़ी कमाल की है। ईशा की नमाज़ पढ़ ली है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर पे बच्चे आए हुए हैं, और इनको ये आइसक्रीम बड़ी ज़बरदस्त लगती है जो यहाँ के पॉप्सिकल्स मिलते हैं, तो फिर भाईजान ये तो बनती है, ठीक है, और अच्छा हुआ दुकान भी खुली हुई, हमने नमाज़ भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, और अब ज़रा पॉप्सिकल्स हो जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान, खैरियत से हैं, ये चेहरा तो लोगों को याद हो गया होगा, कैसे हैं भाई, यार रास्पबेरी है, हाय 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 हाय, ले आए भाई चार रास्पबेरी, सही है, और एक पीच कर दें, एक ग्रीन एप्पल कर दें, और एक अनार कर दें, और आप बोलें, बहुत सारी हैं, दिखाएं ज़रा, हम देखें ज़रा, क्विक क्विक क्विक, और भाईजान यहाँ ब्लैकबेरी और ब्लूबेरी भी कर दें एक, सही है। वैसे भाई अगर आप लोगों ने भी अभी तक यहाँ के पॉप्सिकल्स ट्राई नहीं किए ना, तो आप लोगों ने कुछ भी ट्राई नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पे शहीद मिलत के पास जो कबाब चीज़ है ना, मतलब यहाँ पे पहाड़ी वाली मेमन मस्जिद है, ओके, यहाँ पे आपने आना है, और पहाड़ी वाली मेमन मस्जिद की गली के अंदर नेशनल कॉलेज के पास, ठीक है, यहाँ के पॉप्सिकल्स ट्राई करने, सीरियसली यहाँ का रास्पबेरी अगर आपने ट्राई कर लिया ना, ओ हो कमाल हो जाएगा। हमारे घर पे बच्चे सारे जमा होते हैं ना, मतलब बहन के बच्चे वगैरह सब ना, तो मैं नॉर्मली इन लोगों की ख्वाहिश क्या होती है, पिज़्ज़ा खाना है, सही है, तो मैं क्या करता हूँ पिज़्ज़ा लेके वहाँ पे जाता हूँ, या बच्चों को लेके कभी बाहर निकलता हूँ, और इनके साथ पिज़्ज़ा लेके फिर हम लोग घर पे जाके एंजॉय करते हैं, क्योंकि बच्चे जब आते हैं ना यार, तो इनके लिए मतलब जो है ना मैं सोचता हूँ कि भरपूर जिससे ये खुश हो ना, मतलब वो सारे काम करने चाहिए, तो आज मैंने सोचा क्योंकि घर पे खाने का सीन स्पेशली है, तो पिज़्ज़ा नहीं लेके जाऊँगा, अगर पिज़्ज़ा लेके गया तो अम्मी ने मुझे जो है ना मेरी धुलाई करनी है, तो मैंने बोला कि पॉप्सिकल्स लेके जाते हैं, ताकि खाने के ऊपर मीठा दें बच्चों को, और बच्चे बहुत खुश होंगे भाई, जब बच्चे खुश होते हैं ना आपका भाई खुश होता है। ये भाई सारा अपना सेटअप आ गया है, ओहो हो क्या रंग बिरंगी फ्लेवर्स, हाँ पार्सल करते हैं इसको, बर्फ़ डाल दें ताकि ये पिघले नहीं, वैसे मेरा घर करीब है यहाँ से, लेकिन ये कि फिर भी एहतियाती तौर पर। कितने पैसे हो गए दोस्त, ₹500, वैसे भाई हूँ ₹60 की एक है, ठीक है, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ₹60 के अंदर आपको इससे बेहतरीन कुछ पॉप्सिकल्स नहीं मिल सकती। ये आ गया भाई सेटअप, चलें भाई घर भागते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो अलिशबा, होरेरा कैसे हो, आप लोगों के लिए आइसक्रीम लेके आया, अब्दुल कभी आप कैसे हो, खराब कर दिया एसी, ओए होए सेल्फ क्लीन पे लगा दिया, ओए होए आपने रिमोट क्यों दिया होरेरा को, ये सबसे बड़ा जो सरप्राइज है ना ये बेगम तुम्हारे लिए, भाई ये देख के तुम्हें इतनी खुशी होगी क्या तुम्हारी सोच है, चलो ये मैं तुम्हें बाद में दिखाता हूँ, पहले जो है वो पहले बच्चों की आइसक्रीम,
ये आ गई भाई पॉप्सिकल्स, ये लो बेटा। अच्छा वो वाली अच्छी लगती है आपको, ये लो रहा। अब्दुल कबीर कौन सी खाएगा, ये वाली खाएगा अब्दुल कबीर, ब्लैकबेरी, ये लो भाई, ये सबके लिए हैं, काफी सारी आइसक्रीम है, ठंडी है। अरे आयशा से तो मिलवाया नहीं आप लोगों को, माशाल्लाह बड़ी हो गई है आयशा। कैसी है मेरी माँ, कैसी है मेरी बच्ची, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ओयो नहीं 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 नहीं, रोना नहीं है अलीशमा, मेरी बच्ची जो है ना, मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। रही है दो, आओ आ आ आ आ, आ। ये जो है ना अनार फ्लेवर है, आह हा हा क्या फ्लेवर है आप लोगों को बता नहीं सकते। ऐसी अलीशमा अच्छी है, मज़ेदार है, मीठी आपकी तरह मीठी है भाई। अब जो है ना असल सरप्राइज वाइफ का, जो मैंने आप लोगों को पार्क में बोला, आंखें बंद कर लो पहले, तुम आंखें बंद कर लो भाई। ये अब हम निकालते हैं, वाइफ का सरप्राइज, जिसे देख के बहुत ज्यादा खुशी होगी, दिली खुशी। सरप्राइज ये देखो, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज एक और। ये मेरे काम की चीज नहीं है। नहीं तुम्हें बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं ना रूम में। मुझे नहीं अच्छे लगते। आपको अच्छे लगते हैं। अब तुम ये बताओ तुम इसको रखोगी कहाँ? ऑलरेडी आपके कोने पे तीन तीन पड़े हुए। अब तुम कहाँ रखोगी बताओ, इसके लिए जगह बना लो। ये किसी को आप तोहफे में दे दो। ये मुझे तोहफे में आया है ऑलरेडी। आप आगे तोहफे में दे दो। भाई मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि वाइफ ऑलरेडी तंग है कि इतने सारे बैग आप लेके आते हो, अब मैं रखूं किधर, इसको जगह नहीं है रूम में। तो ये सीन था भाई। तो ये आज का जो है ना स्पेशल सीन था घर पे। सुबह से अम्मी ने कहा हुआ था कि रात को घर पे खाना खाना बेटा, और बेटा इतना अच्छा बच्चा है कि बेटा अभी जो है ना भूल गया था कि आज किसी की दावत में भी जो है ना इनविटेशन है। तो बेटा वहाँ से मम्मी थोड़ा सा जो है ना खा के आया है हल्का फुल्का, लेकिन ये खाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये सिंगापुरियन राइस है, लेकिन अम्मी ने जो है ना इसकी रेसिपी चेंज की है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ तो इसके नीचे राइस है, ये देखें इसके नीचे राइस है, फिर स्पेगेटी है, स्पेगेटी के ऊपर ये जो है वो मम्मी क्या है इसकी ग्रेवी है, सही है। ग्रेवी के अंदर चिकन भी है और डिफरेंट वेजिटेबल्स भी हैं, फिर इसके ऊपर ये सॉस बनाया है आपने भाई। अब ये मैं पहला निवाला लेने जा रहा हूँ, ये मेरी बेटी अलीश पर ले आई मेरे लिए पानी, और अब जो कभी आप खाओगे, अच्छा पानी पीना है, आप पानी पियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गया भाई पहला निवाला। स्पेगेटी खाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस दफ़ा हमारा जो सिंगापुरियन राइस बनाया है वो बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी से बनाया, और इस दफ़ा इतना तीखा नहीं है। नॉर्मली हम लोग जो बनाते हैं ना वो बहुत तीखा होता है, और वालिद साहब क्योंकि ब्लड प्रेशर का समटाइम्स मसला हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है ना उस मसले की वजह से हम जो है कम तीखा बनाते हैं, ठीक है। तो ये सिलसिला है। तो ये जो है ना अबू ने भी मेरे ख्याल से खा लिया होगा, मम्मी अबू जी ने भी खा लिया होगा अच्छे से, क्योंकि तीखा नहीं है। तो खैर बहुत अच्छी बात है, तीखा वैसे भी जो है ना ज़्यादा अच्छा नहीं होता हल्के लिए। तो खैर एनीवेज बहुत अच्छा है, और अब हम आराम से सुकून से खाना खाते हैं। आज सोचा था कि दिन का अक्सर इस फैमिली के साथ स्पेंड करूंगा, लेकिन काम इतने थे कि आपको पता है पूरा दिन आप लोगों के साथ बाहर ही में घूमता रहूं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की जो वीडियो होगी, कल एक्चुअली जो है ना कल मैं कराची से निकलूंगा, तो हम स्टार्ट करेंगे, मतलब कल की वीडियो के अंदर जो है ना सफर स्टार्ट हो गया होगा, मतलब हम लोग प्लेन में मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, होपफुली आप लोगों ने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। कहाँ जाना है आपको? प्लेन में जाना है। प्लेन में कहाँ चलोगे पापा के साथ? दुबई, और दुबई से हम जाएंगे यूके, ठीक है। तो खैर अब कभी नहीं जाएगा इंशाल्लाह, इसको भी लेके जाएंगे, ठीक है भाई। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, बीटीएस को सब्सक्राइब करें, कल मिलेंगे पाकिस्तान से बाहर जाते हुए प्लेन में। अल्लाह हाफिज़।